जान है तो जहान है, जब बात जान पर बनाने की होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी के में सिलकियारा टनल में हुआ, जहां फंसे हैं 41 मजदूर, जो अपनी जिंदगी की सांसें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते हुए ले रहे हैं कि उनकी जान बचा ली जाएगी। इसी उम्मीद के साथ 41 मजदूर पिछले 9 दिन से उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में मलबे के बीच फंसे हुए हैं। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पिछले 9 दिन से मलबे के बीच फंसे हुए 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर आने की उम्मीद के लिए एक दूसरे का हौसला बांधे हुए हैं। इन 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए, इनको सुरक्षित बाहर लाने के लिए सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। 12 नवंबर को सुबह 4 बजे यह हादसा हुआ था। सिलकियारा टनल के प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धस गई थी, जिसमें पहले 9 दिनों में 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है। ये 41 मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उड़ीसा के हैं। आज सुबह इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आर्नर्ड डिस्क भी उत्तरकाशी में पहुंचे। इन मजदूरों को बचाने के लिए डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 पॉइंट में से 2 फाइनल किए। ड्रिलिंग मशीनों की मदद से डिक्स ने मिट्टी और पत्थरों का जायजा लेते हुए कहा कि ये मशीनें मिट्टी और पत्थरों को हटाने में सक्षम हैं। वहीं SJ जसवंत कपूर ने कहा कि 2 ड्रिलिंग मशीनें गुजरात और उड़ीसा से मंगवाई गई हैं, जो करीब 77 टन की है। ड्रिलिंग मशीन के लिए 1200 में से 900 मीटर तक सड़क बना ली गई है, जबकि पूरी सड़क सोमवार शाम तक बन जाएगी, जिसकी पुष्टि BRO ने की है। इस हादसे में रेस्क्यू के लिए देहरादून से एक ट्रक ड्रिलिंग मशीन लेकर आ रहा था, जो ऋषिकेश में खाई में गिर गया था। इस ट्रक में वर्टिकल ड्रिलिंग की बैकअप मशीन थी। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही थी। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनों में से एक मशीन उत्तरकाशी पहुंच गई है। ये दोनों मशीनें SJVNL की हैं। रेस्क्यू के लिए 4 मशीनें आई और 3 प्लान बनाए गए, जो फेल हो गए। अब एक नई रणनीति के साथ 8 एजेंसियों को टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग करने का जिम्मा सौंपा है। इस रणनीति के तहत पहली ड्रिलिंग 24 इंच की होगी, जिसके जरिए मजदूरों को खाना दिया जाएगा, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 1.2 मीटर की होगी, जिससे टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू टीम की ये रणनीति सफल हो और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा।